मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस में सबसे पहले बेसिकली है क्या मैट्रिसेस, हमारा कोई भी डेटा है उसको एक प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जैसे मान लो कि बच्चों के मार्क्स हैं, चार बच्चों के मार्क्स है, यहाँ पे एक मीरा है, एक ये आयुष है, ठीक है, और यहाँ पे खुशी है, तो तीन बच्चों के मार्क्स है। अब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, जैसे ये अकाउंटेंसी में, ये मैथ्स में, ये इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ऐसे अलग अलग मार्क्स उधर सारा जो है डेटा आ गया। टोटल डेटा में कितनी एंट्रीज हो गई यहाँ पे, 9 एंट्रीज हो गई, ठीक है, टोटल में होगी अपने पास 9 एंट्रीज, राइट। तो इस तरीके से किसी भी डेटा को लिखने के लिए मैट्रिक्स यूज होता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एक जो नंबर एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स है उसको मैं डिटरमिनेंट वैल्यू बोल देता हूँ, ठीक है। बट हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं होता। किन मैट्रिक्स का होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं का ही डिटरमिनेंट वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 9 एंट्रीज है, या मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे एक और बच्चा हमें सुखमन को लगा देते हैं, तो अब कितनी एंट्रीज हो गई, टोटल 12 हो गई, ठीक है। तो हर एक जो एंट्री है, हर एक जो एलिमेंट है या एंट्री है या मेंबर है, उसका अपना एक लोकेशन है। जैसे ये जो है इसका अपना एक लोकेशन है, इसका लोकेशन क्या है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये एलिमेंट, इसको मैं क्या बोल दूंगा, A22, राइट। ऐसे ही मैं इस एलिमेंट को क्या बोल दूंगा, A4th row 3rd column, A43। जब भी मैं किसी एलिमेंट को बोलता हूँ, मैं एक स्मॉल केस लेटर लेता हूँ और उसके यहाँ पे IJ लिख देता हूँ। IJ मीन्स ith row एंड jth column, इसका लोकेशन समझा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो A32 लिखा होगा, दैट मीन्स थर्ड रो रोज, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली रोज हो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज A32, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अगर मैं बोलूँ कि इस पूरी मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, दिस इज कैपिटल ए। इस कैपिटल ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस कैपिटल ए इज मैट्रिक्स हैविंग दीज एलिमेंट्स। जनरलाइज किया मैंने हर एक इसके एलिमेंट को, जनरलाइज किया ए आई जे में, ठीक है। और यहाँ पे जो आई का वैल्यू है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आई का वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to कितनी रोज है, इट गोज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, एंड जे गोज फ्रॉम 1 to 3 तक, राइट। तो इतनी सी बात ने मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बता दिया, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को डाउट यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना सिंपल मैट्रिक्स, एक अरेंजमेंट है, एक एरे है, एरे ऑफ नंबर्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस जल्दी से इसको याद करते हैं कि क्या था टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या था, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, याद है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रोज ज्यादा थी कि कॉलम ज्यादा थे, कॉलम ज्यादा थे, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगी ना यार, मोटी सी मैट्रिक्स, तो इसमें कॉलम ज्यादा होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मल्टीप्लाई ना कर देना, जैसे पिछला जो हमने एग्जांपल किया इसमें रोज कितने थे, 4 थे, और कॉलम्स कितने, 3 थे, तो इसका ऑर्डर क्या था, 4 x 3, 12 आंसर नहीं है इसका, 4 x 3 12, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या आ जाएंगे, mn, ठीक है, और ऑर्डर क्या, m x n, ऑर्डर इक्वल्स टू m x n, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब n ग्रेटर देन m हो जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, जो कुछ ऐसे है स्लिम एकदम, m ग्रेटर देन n हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसे होगी A B C D, ठीक है, तो इसका n का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा कॉलम मैट्रिक्स का। ऐसे अगर रो मैट्रिक्स की बात करूं तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा, m का वैल्यू, m फॉर मंकी, ठीक है, m का वैल्यू 1 हो जाएगा रो मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमने बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n,
ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी सिंगुलर मैट्रिक्स की। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट वैल्यू जिसका जीरो आ जाता है। नेक्स्ट बात की थी हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डन। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी दैट वाज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था? ये आगे जितनी भी मैट्रिक्स बताने लगा हूं ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल है। सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, नॉन सिंगुलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जो नाम है उसमें ऊपर वाले ट्राइंगल को छोड़ के, ऊपर वाले ट्राइंगल को छोड़ के, जैसे ये देखो ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई, ऊपर वाले ट्राइंगल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सब एलिमेंट हैं वो क्या आ जाएंगे? जीरो। सो डी इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? नीचे वाले ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सब जीरो, ठीक है, नीचे वाले ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सब जीरो, ए बी सी डी ई एफ, बाकी ऊपर वाले ये जीरो। क्लियर है? दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो नाम में है उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ऐसा नहीं कि ए जीरो नहीं हो सकता, ए की अपनी मर्जी है भाई, जीरो हो ना, अपने ये तीनों पक्का जीरो कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सामने नाम है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स पक्का पक्का जीरो हैं, ठीक है। साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नाम आता है स्केलर मैट्रिक्स। याद है स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ए ए ए, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक नाम आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। फर्दर इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन हो जाएंगी। इसको मैं आई थ्री बोल देता हूं, इसको मैं आई टू बोल देता हूं, ठीक है। क्लियर? मैट्रिक्स वर्ल्ड का ये वन है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी था यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है अपने पास जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स पे ऐसा पक्का नहीं है, स्क्वायर भी हो सकती है एंड नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। जो जीरो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा उसका ऑर्डर क्या है। जैसे ये भी जीरो मैट्रिक्स है पर ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। डन। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डन है अपना। किसी को डाउट किसी भी टाइप का? स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ तो, हाँ तो स्केलर पर्टिकुलर हो गया ना ज्यादा। नेक्स्ट और नाम भी कर लेते हैं, दो नाम और हैं अपने पास, जो कि मतलब जब चैप्टर करवा रहा था तब बीच बीच में कर रहे थे ना, क्योंकि अपने को उस टाइम पे ऑपरेशन सारे पता नहीं थे, ठीक है। जैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, ये दोनों भी स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। जब आप उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज याद है ना, रोज को कॉलम बनाते हैं, कॉलम का रोज बन जाता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज अगर ये आ गया तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ये आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की शक्ल कैसी होती है?
प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज का टेंशन ना लो, बाकी जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑर्डर टू की सिमेट्रिक है तो। ऐसी अगर ए बी सी अगर तीन ऑर्डर के ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, सही है, याद है ये सब कुछ। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है? प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज इसकी पक्का जीरो होंगी, ठीक है, और जो बाकी एंट्रीज है वो एक दूसरे की नेगेटिव हो जाएंगी, मतलब अगर यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे माइनस। देख लो, किसी को डाउट इसमें? मार्कर लाना, दो दो मार्कर ब्लैक कलर। ठीक है, एक मिनट आने दे। अच्छा, वो याद है कि एक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, याद है? Any matrix A can be written in the form of symmetric and skew symmetric. कैसे? A equals to A plus A transpose by 2. ये पार्ट कौन सा आएगा? Symmetric वाला. और A minus A transpose by 2. ये कौन सा पार्ट आएगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा और ये सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। अब इसके बोर्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन काफी साल बनता रहा है, ठीक है, तो बन सकता है। यहाँ पे जो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है। हाँ शंभू सर, ये फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ये वाला? हाँ जी सर, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल बाई टू, ये किया नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ये तो मुझे याद नहीं मैंने किया। अच्छा, करते क्या है इसमें, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये देख कि इन दोनों को ऐड कर, एलसीएम क्या टू आएगा, और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, टू ए, यस सर, ए आ जाएगा सर, तो ए आ जाएगा, ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड है कि ऐसा आएगा। अब होता क्या है कि हम ए को ना दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता लगता है, इसका चेक करने की सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, हम क्या कैसे चेक करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करके देख लो, इसका जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत, यस सर, ठीक है, तो अगर बाय टू कर देंगे तो भी सिमेट्रिक बनेगा, सेम बन जाएगा। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए बाई टू, विच इज नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया, ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, क्लियर है? तो ये बनेगा अपना, यस सर, मतलब यार ये याद रखने, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट वो क्या पूछेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा इसको जब आपने दो में तोड़ा था तो स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट का आंसर लिख दो, ऑप्शन चार दे देगा, ठीक है, या आपने इसको जब दो में तोड़ा था तो सिमेट्रिक वाले पार्ट का आंसर लिख दो, सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स बता दो, ठीक है, क्लियर है? ये कर लोगे, बहुत इजी है, लिखना के ए है अपने पास, ए ट्रांसपोज कर लेना, दोनों को ऐड कर देना, बाय टू कर देना, ठीक है, कई बार बच्चे दोनों को ऐड करके छोड़ देते हैं। अच्छा, अब इस पे फर्दर बात, फर्दर इस पे जो सवाल बनता है वो क्या बनता है, जैसे वो आपसे पूछ लेते हैं कि ए इज सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे दो आपको मैट्रिक्स दे दी, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, फाइंड इफ ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज करने पे वापस वही आ जाएगा, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करने पे उसका नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब उसने किसको चेक करने के लिए बोला, ए बी प्लस बी है, कोई भी चेक करने को बोल दे यार, वो कोई भी चेक करने को बोल दे, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर चेक करने को बोल दे, ए बी का होल स्क्वायर चेक करने को, तो कुछ भी तो बोल दे, हमने क्या करना है, जिसको भी चेक करना है उस पर ट्रांसपोज करके देख लेना है कि ट्रांसपोज करके क्या आंसर आएगा। जैसे हमने ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, पहले पे ट्रांसपोज प्लस दूसरे पे ट्रांसपोज, राइट, क्लियर है ये? अब मल्टीप्लीकेशन में जो ट्रांसपोज लगता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, तो ये क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, पहले वाला बाद वाला, पहले पहले वाला बाद में. नाउ व्हाट इज बी ट्रांसपोज, हमने यहां से देखा माइनस बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए इनटू माइनस. तो आंसर क्या बन गया इसका, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी ए बना के नहीं. तो मतलब ये जो ए बी प्लस बी ए जो उसने मैट्रिक्स लेके दिखाया हमें, ये सिमेट्रिक बना, स्क्यू सिमेट्रिक बना या क्या बना, स्क्यू सिमेट्रिक बना. सो द आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक. अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा आंसर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हो सकता है कभी आंसर नन ऑफ देम बने. ठीक है, कोई ऐसी मैट्रिक्स भी हो जो आंसर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी ना दे. ठीक है, क्लियर है वाली बात, किसी को डाउट इसमें. जैसे आपको एक एग्जांपल सोच के मैं बताऊं कि बिल्कुल इसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि इसको मैं फर्स्ट पार्ट बना दूं और इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट लिख दूं ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी. अब ए स्क्वायर प्लस ए बी को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है. तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करके देख लेंगे. आप ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल ट्रांसपोज, विच इज पहली वाली का ट्रांसपोज प्लस दूसरी वाली का ट्रांसपोज. सो ए स्क्वायर दो बार लिखा हुआ, मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ. अब ए इंटू ए का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या था ए, सो कैन राइट इट ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी ए. तो बेटा जो हमारी शक्ल थी ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी, दोनों रिलेट ही नहीं हो रही, ना ही दोनों इक्वल है ना ही दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे Neither symmetric nor skew symmetric. क्या ये बात क्लियर हो गई, ऐसा नहीं कि हमेशा आंसर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. ठीक, तो और भी स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की बातें हुई थी, जैसे मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ. अगर कोई स्क्यू, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक है उसका पावर टू कर दें वो भी सिमेट्रिक होगा, उसका पावर थ्री कर दें वो भी सिमेट्रिक होगा, उसका पावर कुछ भी रेज कर दें 10, 20, 30, 100 वो सिमेट्रिक ही बनेगा हमेशा. इसके आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे. स्क्यू सिमेट्रिक, अगर एक ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका पावर टू करेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा. क्यूब करने पे जब भी पावर ऑड रेस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, जब भी पावर इवन रेस करोगे तो सिमेट्रिक आ जाएगा. याद है ये सारा. और एक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है किसी को, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इक्वल्स टू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर. अरे नहीं, क्वेश्चन भी नहीं करेगा. हाँ कोई है भाई ऑनलाइन में, कोई है, कोई सुन रहा हो, किसी ने सुना हो लास्ट क्लास में. सब जय माता दी. क्वेश्चन करवाया भी मास भी माइनस वन बेस्ट बात. अच्छा इतनी देर में तो कर भी लेते यार. जीरो सॉल्व भी करके बताया था. क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, खत्म फिनिश, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं खत्म फिनिश बाय बाय. अटेंड नहीं किया कोफैक्टर का बताया था तेरे को, मैं बताता हूँ. ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये माइनस वन का पावर एन ये आ जाएगा. अगर एन इक्वल्स टू ऑड एन तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो. लिखना नहीं है, समझा दिया बस आपको, प्रूफ नहीं आएगा आपको. चलो अब नेक्स्ट काम पे आते हैं अपने, दैट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन आता है सबसे पहला ऑपरेशन. दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, हमेशा कर पाएंगे या दो मैट्रिसेस को ऐड, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, पागल हो गए सब मेरे को लग रहा है. दो मैट्रिक्स को ऐड करने की क्या कंडीशन लगती है, मल्टीप्लिकेशन लग होती है.
दो मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए सच दैट मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या बात, दिमाग से छोड़ा है यार। 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस 1 4 8 7 2 4 इनको ऐड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वहां तो तुम क्वेश्चन ही गलत कह रहे हो, क्वेश्चन गलत है, करिए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है? और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये एक हो गया। और दूसरी बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्कशन चल रही है अभी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर बाहर में इस मैट्रिक्स के बाहर 2 लगा दूं तो उस 2 का क्या होगा? अंदर का सभी एलिमेंट के साथ 2 जाके चिपक जाएगा, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? नेक्स्ट बात एडिशन की, एक मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मैट्रिक्स का एडिटिव 0 क्या है उधर? एडिटिव आइडेंटिटी पूछा क्या है, वो भी यही बोल रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, 2 नाम आए थे, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी था ए में क्या ऐड करेंगे वापस ए आ जाए 0। तो किसी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, ठीक है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उस मैट्रिक्स का इनवर्स, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए, ए का एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए, और ए का एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है? चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, इसमें यही था। और ये जो बाहर 2 मल्टीप्लाई करने वाले, उसको पता क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? अरे पता नहीं ना, ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ बना दें कि दिस इक्वल्स टू दिस इज विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में, 2-3 टॉपिक है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, उसका ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, और लास्ट में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बस इन्हीं पे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब भी आप ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अगर आप ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कब कर सकते हो आप ए बी कब निकाल सकते हो? नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है? ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू बी के नंबर ऑफ रोज, पहले का दूसरा शुड बी इक्वल्स टू दूसरे का पहला, ठीक है? क्लियर है वाली बात, याद रहेगी? तो अगर ए का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू मान लो पी क्रॉस क्यू है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्यू क्रॉस आर है, तो ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा? पी क्रॉस आर, ठीक है? क्या ये पी क्रॉस क्यू है, ये क्यू क्रॉस आर है, तो पी क्रॉस आर आ जाएगा अपना न्यू ऑर्डर, ठीक है? तो अगर कोई पूछे कि ए बी में कितने एलिमेंट्स होंगे तो क्या आंसर आएगा? पी आर, पी इंटू आर, ठीक है? चलो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में था। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमने की थी उस टाइम पे भी थोड़ी सी याद करवा देता हूँ, वो थी कि ए बी और बी ए वैसे इक्वल नहीं होते, ठीक है? वैसे इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल हो तो इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए देन मैट्रिसेस तो आज चुप रहे यार, आज मेरे से खाके ना चला जाएगा। मैट्रिसेस क्या होती है यहाँ पे? कॉम्यूट, ठीक है? हम जो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉम्यूट। कॉम्यूट का मतलब इंग्लिश में पता है ना? हाँ, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये हमेशा नहीं होगा, काफी किस्मत वाले मैट्रिसेस होते हैं जिसमें होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए, हमेशा नहीं होगा। वैसे जनरली ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। अच्छा, अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है, ए बी इक्वल्स टू, इस पे क्वेश्चन भी हमने किया हुआ, ए बी इक्वल्स टू जीरो, क्या हमेशा ए और बी जीरो मैट्रिक्स होंगे? ठीक है, ए एंड बी नॉट नेसेसरली जीरो मैट्रिसेस, मतलब दे कैन बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स बन सकता है, बट इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो देन मॉड ए, सॉरी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, हो गया सर कोई दे दो, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू बी इक्वल्स टू जीरो, एटलीस्ट
वन ऑफ देम इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सही या गलत? सही है गलत? कोई गलती हो सकती है जो मैंने लिखा? देखो तो डाउट है तो बताओ, या गलती निकाल लो अगर कोई गलती है तो। सही है, मतलब वो कह रहा है यार अगर दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर जीरो है तो पक्का है। ये तो सिंपल नंबर्स होते हैं ना यार, ये तो ऐसे बोल रहा है कि यार p इंटू q या x इंटू y जीरो है, तो x इंटू y जीरो, दोनों में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना कम से कम, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने मल्टीप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अगर ए बी इक्वल्स टू सी बी है, ए बी इक्वल्स टू सी बी, यहाँ पे बी और बी को ऐसे नहीं कैंसिल कर दोगे, क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, इनवर्स लेते हैं हम दोनों जगह। ठीक है, देन ए इक्वल्स टू सी ओनली व्हेन बी इज इनवर्टेबल, अगर बी का इनवर्ट एग्जिस्ट करेगा तभी ये पॉसिबल है, और व्हेन बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो यहां पे होता क्या है कि ए बी इक्वल्स टू सी बी में मैं दोनों जगह b इनवर्स मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और a इक्वल टू c बन जाता है। ठीक है, क्लियर है वाली बात? ऐसी अगर किसी ने लिख दिया ba इक्वल टू bc, तो यहाँ पे भी आप सोचो कि b और b को कैंसिल कर दें, कैंसिल कर सकते हो अगर b इनवर्टेबल, इफ b इज नॉन सिंगुलर देन a इक्वल टू c। किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, अच्छा यहाँ पे इधर आते हुए थोड़ा काम हमारा क्रिटिकल हो गया था जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे कि यार ये पीक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बातों का, और बिल्कुल चल भी रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। यहाँ पे तीन नाम और आए थे। हाँ हाँ बेटा, सर वो जो ऊपर आपने किया है a equals to c, वो कैसे प्रूफ किया? b into b inverse क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा? ओके सर, b b। हाँ, तभी दोनों साइड इनवर्स मल्टीप्लाई कराया ना, ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते मैट्रिसेस को। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल आप कर पाओगे स्टेप अगर b इनवर्टेबल होगा, मतलब अगर b का इनवर्ट यूज करेगा। ठीक है, क्या जी? हाँ बिल्कुल, नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्टेबल होगा ना, एक ही बात है ना, नॉन इनवर्टेबल, सॉरी इनवर्टेबल बोले या नॉन सिंगुलर बोले, सेम बात। ठीक है, अब यहाँ पे तीन नाम आए थे अपने अपने सामने बहुत गंदे गंदे से, आइडेंपोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी, याद है वो सारे? अपना खुशी बताएगी, खुशी क्या पहला नाम सुना सुना लग रहा है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, अब नहीं, निलपोटेंट में आता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वो होती है जिसका स्क्वायर करने पे आई आ जाए। ठीक है, एक कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आई आ जाए। अब ये इतनी स्पेशल क्यों हो जाती है हमारे लिए कि लिखवाना पड़ गया और इसका गंदा सा नाम इसका कर दिया हमने? ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि अगर मान लो आपको कोई a का पावर 50 निकालना आ जाए तो आप निकाल सकते हो। कैसे? ए स्क्वायर अगर आई है तो ए क्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का पावर 4 क्या हो जाएगा? वापस आई आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? और ए का पावर 5 क्या हो जाएगा? फिर से आ जाएगा, ए का पावर 5 इक्वल्स टू, ऐसी अगर आपको ए का पावर 50 देखना है तो इवन पावर में आई। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और स्कूल में वो नाम यूज नहीं करेंगे इन्वोल्यूटरी वाला, ये वाला काम यूज करेंगे। काम समझ में आ गया कि नहीं अपने को? नेक्स्ट है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसका स्क्वायर करने पे वापस वही आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब इसमें भी स्पेशल क्या है? दूर का पावर निकालना तो निकाल पाएंगे। कैसे? ए क्यूब करने में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए का पावर 4 करने में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब वापस से, तो मतलब इसका कोई भी पावर निकालना है, ए का पावर 100 है। ठीक है, दिस इज आइडेंपोटेंट। ठीक है, अब लास्ट जो नाम आता है अपने पास ऐसा गंदा सा, दैट इज निलपोटेंट।
नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका कुछ पावर रेस करने पे जीरो मैट्रिक्स बन जाए। जैसे मान लो ए का पावर वन था, वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स था, ए का पावर टू भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स था, बट जब क्यूब किया तो आंसर एक जीरो मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो अगर क्यूब करने पे जीरो बन गया तो पावर फोर भी तो जीरो होगा, पावर फाइव भी तो जीरो होगा, फर्दर कोई भी पावर करो 104, उसका आंसर भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब इसका इंडेक्स मतलब किस पावर पे पहली बार जीरो आया, जिस पावर रेस करने पहली बार जीरो आया तो वो उसका इंडेक्स हो जाता है, इंडेक्स ऑफ दिस निल पोटेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका इंडेक्स 3 है। अगर मान लो ऐसा होता है ए का पावर वन नॉट इक्वल जीरो, ए का पावर टू नॉट इक्वल जीरो, ए का पावर थ्री नॉट इक्वल जीरो, बट ए का पावर फोर जीरो आ जाता तो उसका इंडेक्स क्या बन जाता, 4। ठीक है, क्लियर है ये? तू बोर्ड का नहीं है, तू बोर्ड का बच्चा नहीं है, ये सब तू नहीं बोलेगा, नाम अजीब लग रहे हैं। फिर तो हमने शादी करवा दी थी ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स समझाना एक बार। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका स्क्वायर करने पे आई आ जाता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वन हो जाते हैं। ठीक है, अब आई एक ऐसी मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स वर्ल्ड का हमारा वन है। ठीक, जैसे अगर मैं आई का स्क्वायर करता हूं तो वापस क्या आता है, आई आ जाता है, आई का क्यूब करने में भी आई आ जाता है, आई का पावर कुछ भी रेस करता हूं तो मेरे को आई मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आई है, दोनों साइड पे ए मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, इधर ए क्यूब बन जाएगा, इधर ए बन जाएगा, ए इंटू आई इज ए। ठीक है, ए इंटू वन इज ए, ए इंटू आई स्क्वायर भी ए बन जाता है, ए इंटू आई क्यूब करोगे वो भी ए बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ए का पावर फोर मतलब इसका स्क्वायर ना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर तो आई होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन में आता है ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे मैंने स्टार्ट करवाया था, मैंने कहा था इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जिसका एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल। क्या बोल देते हैं उस मैट्रिक्स को, इन्वर्टेबल। और वो मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू उसका नॉन जीरो आएगा, तभी उसका इन्वर्ट के बारे में बात चलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ए का इन्वर्स बी है, अगर ए का इन्वर्स बी मैट्रिक्स है, क्योंकि इन्वर्स जो है किसी मैट्रिक्स का एक और नया मैट्रिक्स बनेगा ना, अगर ए का इन्वर्स बी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले वो दोनों कॉम्यूट करेंगी, सबसे पहले वो दोनों कॉम्यूट करेंगी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, आई। दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आने वाला है, आई आने वाला है। ठीक है, अब ये हमने ऑब्जर्व किया एडजॉइंट निकालते समय कि अगर मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि एक न्यू मैट्रिक्स आई थी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, ए और एडजॉइंट ए को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से शक्ल मिलती थी। ठीक, तो यहां से मेरे दिमाग में आया यार इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और एडजॉइंट ए जो है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, अगर पूरी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉमन खींच लूं तो ये जीरो तो खुद इफेक्ट नहीं होगा, जो ये डायगोनल एलिमेंट से गंजे हो जाएंगे, वन 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 रह जाएंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इधर से पता लगा यार ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू आई आ गया। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने इनवर्स के लिए पढ़ी थी कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो और आई आ जाए उस टाइम पे वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की इनवर्स। हियर ए इज इनवर्स ऑफ दिस एंड इसका इनवर्स ए आ जाएगा। क्लियर, तो ए इनवर्स में क्या लिख दूंगा, ए इनवर्स इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, बट क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डिनोमिनेटर में है तो ऐसा बोल दिया जाता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब
डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो, मतलब हमारा ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, क्लियर है वाली बात, ठीक। एडजॉइंट निकालनी आती है ना सबको, कोफैक्टर्स निकाल के उसकी अपनी अपनी डिविजन रख दिया, उसके बाद लास्ट में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, चलो। अच्छा अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स, और ए के लिए सिर्फ एक ही बी बना हुआ है, ठीक है, ए के लिए, ये नहीं कि एक बार बी डिफरेंट आ गया आंसर, और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई और मैट्रिक्स भी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के आई बन जाए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर एग्जिस्ट करेगी इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का, करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट, तो वो यूनिक होगा, वो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा ऐसा जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ये। तो इस लाइन से एक और बात अपने को समझ में आती है इस लाइन से, कि ए इंटू एडजॉइंट ए, जैसे कि आपने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई बोल दिया था, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए में एडजॉइंट ए के नीचे लेकर आया, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ए के नीचे में रख दूं, तो सामने क्या आ जाएगा आई, तो यहां पे ये एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स ये है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स ये, तो यहां पे बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है स्कूल में भी और कॉम्पिटिशन में भी, क्लास में करवाया हुआ मैंने क्वेश्चन, जे एडवांस तक के क्वेश्चन करवाया हुआ, बट जे का नाम अभी नहीं ले रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वाले सवाल हम पूरा का पूरा कर रहे हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स है, दैट इज ए बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मॉड ए, मॉड ए ना करिएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली लाइन ज्यादा जरूरी लिखवाई, ठीक है, ये याद रखनी है वाली लाइन, एनी डाउट्स, ठीक है। हम इसी से इन्वर्स निकालते हैं, एक और मेथड होता है एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से कट चुका है, और अगर सिलेबस में हो भी तब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इसी से करते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट है दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो मैट्रिक्स मेथड से ही अपने को करना है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे अपने को तीन इक्वेशन दे रखे होंगे ज्यादातर, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, ठीक है। यहाँ से अपने सिलेबस में दो पार्ट बनते हैं, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले अगर डी वन डी टू डी थ्री तीनों जीरो हो एक साथ अगर तीनों जीरो हैं, सब सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, जैसे मान लो डी वन और डी थ्री जीरो, ये टू है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ डी वन डी टू डी थ्री इज नॉन जीरो, सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम क्या बनेगा, नॉन होमोजीनियस। अब इसमें निकालना क्या होता है अपने को, एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, हम इसको थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोल देते हैं, अननोन जो हमने निकालना एक्स वाई जी उसको एक्स बोल देते हैं, और सामने वाले को बी बोल देते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, हर बार ऐसा होगा कि ए एक्स इक्वल्स टू बी बन रहा होगा, चाहे तीन क्रॉस तीन की है चाहे दो क्रॉस दो की, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब यहां पे जैसे ही अपने पास ए एक्स इक्वल्स टू बी बनाना, यहां से अपने पास बनते थे तीन केसेस, ठीक है, यहां से अपने पास बनते थे तीन केसेस। पहला केस जो बहुत ईजी होता था कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो है, मतलब ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली ए इनवर्स इनटू बी, नॉट बी इनटू ए इनवर्स, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, ए इनवर्स इनटू बी, क्लियर है वाली बात। तो ए इनवर्स निकालना कोई मुश्किल काम तो था नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए किया इनटू बी, तो अपने को एक्स वाई जी मिल जाता है बहुत इजीली, ठीक है, क्लियर है ये। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो है, यहां से अपने पास दो केस बनते थे, याद है किसी को, एक नो सॉल्यूशन होता था और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ
तो यहां पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे जीरो 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 मैंने आपको ऐसा बताया था, जीरो जीरो मिलकर क्या बना देंगे, इंफिनिटी का साइन, तो इट विल बी हैविंग इन फाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इसके जो सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन रहते हैं। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जीरो होने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया तो इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। और जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चाहे होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो कुछ भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हो, जब भी अपने पास सोल्यूशन आएगा हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये तो यूनिक भी था क्योंकि इसके एक एक ही आंसर आ रहे थे एक्स वाई जेड के, ये भी कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है सबको। यहाँ पे तो एक्स वाई जी की वैल्यू इजिली आई जाती थी, जबकि यहाँ पे एक्स वाई जेड हम कैसे निकालते थे, याद है किसी को, इनफाइनाइट सोल्यूशन तो लिखते थे, उसके बाद वो पूछ भी लेता था कि वो सोल्यूशन किस फॉर्म की है। हाँ, जेड को हम के पुट करते थे, फर्दर अगर किसी ने कुछ पूछा होगी सोल्यूशन किस टाइप के हैं, पुट जेड इक्वल्स टू के, पुट जेड इक्वल्स टू के, ये यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करना, वैसे आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, ऑप्शन में चेक करना कि आपके एक्स को के पुट किया, वाई को के पुट किया कि जेड को के पुट किया, ठीक है, आप किसी भी चीज से देख लेना कि x को के पुट किया, y को के पुट किया कि z को के पुट किया, जिसको भी के पुट किया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि z को के पुट किया था, या इस बार ले लेता हूँ कि अगर x को के पुट किया था, if x equals to k, यूज इक्वेशन 1 एंड 2, जो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 लिखी हुई है ना, इन दोनों को कंसिडर करो, यहाँ पे x का वैल्यू k के इक्वल पुट कर दो, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आएंगी y एंड z में, we will be having two equations in y and z, ठीक है, दो इक्वेशन, क्योंकि x का वैल्यू तो k है, x का वैल्यू k है, तो y और z का वैल्यू, ठीक है, दोनों इक्वेशन में y और z अननोन रहेगा, अगर y और z अननोन है तो आप सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशन से y और z का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या वो टेंथ वाले मेथड से, यहाँ पे कौन देख रहा है ऑब्जेक्टिव में कि मैट्रिक्स से किया कि नहीं किया, समझ रहे कि नहीं, बस खत्म हो जाएगा वहां पे आंसर, ठीक है। सर इसमें ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल क्या होता है सॉल्यूशन? वो बेटा होमोजीनियस में आएगा, अभी नॉन होमोजीनियस बताया मैंने, नॉन होमोजीनियस में जो नाम यूज होंगे वो सिर्फ ये होंगे, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल किसमें यूज होगा, होमोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस में यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री तीनों के तीनों जीरो आ जाएंगे, इफ d1 equals d2 equals to d3 equals 0, अगर d1 d2 d3 तीनों के तीनों जीरो हो जाएं तो सिस्टम को क्या बोल दिया जाएगा, होमोजीनियस, ठीक है, अगर सिस्टम होमोजीनियस है तो यहाँ पे ये डब्बा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाली हमारी मैट्रिक्स है, जो b मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो होगा क्या, जीरो मैट्रिक्स बनने से हमें पता लगेगा यार कि अगर b जीरो मैट्रिक्स है, बी जीरो मैट्रिक्स है, जो मैंने पिछली बार तीन केसेस बनाए थे उससे ये केस तो बन ही नहीं सकता कभी कि एडजॉइंट इनटू बी नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि बी तो जीरो है तो इसका आंसर तो जीरो आएगा ही आएगा हमेशा, तो ये वाला केस इसमें कट जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें सिर्फ दो केस में ये कोई काम नहीं करेंगे हम, सिंपल रहेगा अपना, बिल्कुल सिंपल क्या काम रहेगा, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यूनिक निकाल लेंगे भी नहीं, क्या होगा इसका आंसर, x equals y equals z equals to 0, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिक भी बोलते हैं, और ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा जो केस है, जब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जीरो आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन, या इसको नाम नया देते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब छोटा, छोटा मतलब ये छोटा सॉल्यूशन है ना, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। ये जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, इट इंक्लूड्स जीरो जीरो जीरो, ये जो जीरो 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 इधर आया था ना, वो बिल्कुल इंक्लूड करेगा, क्यों इंक्लूड करेगा, आपकी जो तीन इक्वेशन थी उसमें ये तीनों जीरो 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 थे यार, अगर ये तीनों जीरो 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 थे तो पक्का एक्स वाई जेड जीरो, अगर तीनों पुट कर दो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, इसलिए एक्स वाई जेड जीरो तो हमेशा होंगे ही होंगे होमोजीनियस में, एक बार सिर्फ यही केस होगा, एक बार इसके अलावा और भी केसेस होंगे। अब वो इसके अलावा और भी केसेस कैसे करेंगे,
वो देख लेंगे ऑप्शन में कि उसने एक्स को के पुट करा हुआ है, वाई को के पुट करा हुआ है या जेड को के पुट करा हुआ है। अगर मान लो वाई को के पुट किया तो पहली दोनों इक्वेशन में वाई का वैल्यू के पुट करो, एक्स और जेड में इक्वेशन बनेगी और उस एक्स और जेड में इक्वेशन जो बनेगी उसमें एक्स और जेड का वैल्यू के की फॉर्म में निकाल लोगे। जैसे हो सकता है एक्स का वाई का वैल्यू जो के दिया हुआ है उसके बाद जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और जेड की वैल्यू कुछ ऐसे टू के प्लस वन बाय टू या थ्री के बाय फोर ऐसा आएगा और जेड आ जाएगा मान लो माइनस के बाय थ्री। ठीक है, ऐसे करके अपने पास आंसर आ जाएंगे के की फॉर्म में। क्लियर है सबको? ये था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और अच्छा सवाल जो बनेगा मेटल डिटरमिनेंट। देखो मेटल डिटरमिनेंट में सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाएं या कोई भी सीबीएसई का मटेरियल उठाएं या पुराने क्वेश्चन भी उठाएं तो हर टॉपिक जो जो मैंने आज डिस्कस किया हर टॉपिक कवर करता ही करता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक को नहीं छोड़ता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक को नहीं छोड़ता। एक्स दे देता है, वाई दे देता है, दो मैट्रिक्स और कहता है टू एक्स माइनस थ्री वाई ये है, फोर एक्स प्लस वाई ये है, एक्स और वाई निकालो। ठीक है, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है। कई बार एडिटिव इनवर्ट पे दे देता है सवाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्ट में क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के बाहर माइनस लगा देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट, दैट इज इनवर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट क्या होता है, इनवर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट इज इनवर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट हो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी, आई आइडेंटिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा, किसका होगा? ठीक है, समझ लो। तो ये था पूरा का पूरा। बाकी क्वेश्चन जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको मतलब इजीली आप स्मेल कर पाओगे कि यार ये टॉपिक का है, ये टॉपिक का है। अच्छा, एक दो मैं ना पीएनसी टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैट्रिसेस वाला जो फाइल करोगे उसमें क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस साल। मतलब जो इनसे परे है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनेंगी थ्री क्रॉस थ्री की ऑफ ऑर्डर थ्री विद ईच एंट्री टू और जीरो, या तो टू हो या फिर जीरो एंट्री हो, कितनी बनेंगी ऐसी मैट्रिसेस? अरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री विद ईच एंट्री टू और जीरो, कैसे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइन है, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? नाइन इंटू नाइन कैसे कर दिया जी? कैसे किया? एटीन, टू इंटू नाइन नाइन, नाइन नाइन, विद ईच एंट्री टू और जीरो, विद ईच एंट्री टू और जीरो। ये कितने तरीकों से भरेगी ये वाली स्पेस? दो। ये कितने तरीकों से भरेगी? सभी दो दो तरीकों से भरेंगी स्पेसेस। क्या ऐसा कर सकते हैं कि पहली तीनों भर के छोड़ दें? नहीं ना, सारा काम करना जरूरी है। जब भी काम करना जरूरी होता है पीएनसी में क्या करते हैं उसको, मल्टीप्लाई। जब भी काम जरूरी होते हैं उन सब कामों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कितने कितने ऑप्शन है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू का पावर नाइन, दैट इज फाइव वन। भूलोगे तो नहीं अब? थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने एक ए मैट्रिक्स दे दी जीरो वन वन टू,
और पूछ लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन फाइंड एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, कह रहे इसका पहले स्क्वायर कर लो उसमें फिर ए ऐड कर देना, और माइनस वन मतलब आइडेंटिटी, वन मतलब आइडेंटिटी, क्लियर है, कर लोगे मल्टीप्लीकेशन तो आता है सबको। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी अगर ऐसा कर दें तो आंसर सही आएगा, हमेशा वैलिड रहेगा ये? नो सर, क्यों, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है क्या, मल्टीप्लीकेशन इफ पॉसिबल एसोसिएटिव होगा कि नहीं सर? होगा होगा, मल्टीप्लीकेशन इफ पॉसिबल, मैंने कहा अगर इनके ऑर्डर ऐसे अप्रोप्रिएट बना दें, अगर ऑर्डर अप्रोप्रिएट बना दें कि बन पाए, तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन इंटू सी, ये प्रॉपर्टी वहां पे लिखवाई है मैंने आप। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये होगा क्या कि ए बी प्लस ए सी हो? हाँ ये सर होगा, होगा ना, यस डायरेक्शन ना बदल देना इसकी, ए बी का बी ए ना बनाना, क्या नहीं समझ रहा है, करके देखना ना, तीन एग्जांपल ले ले। ऐसा होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करें। अच्छा मैं भूल गया यार अभी, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या आता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अरे टू ए बी नहीं, फिर मैं क्यों कराऊंगा यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए, ठीक है, इफ ए एंड बी कॉम्यूट देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगर कॉम्यूट करेंगे तभी, ठीक है, हमारे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लॉज हैं, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब, वो सब कब वैलिड होंगे मैट्रिक्स पे, अगर वो कॉम्यूट कर रही होंगी तभी, ठीक है, वरना वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। 60 सेकंड क्वेश्चन देखो, 60 सेकंड, वो कह रहे ए बी इक्वल टू थ्री आई है तो ए का इन्वर्स क्या आएगा, पीडीएफ का पेज नंबर है 52, अगर ए बी इक्वल टू थ्री आई है तो ए इन्वर्स क्या होगा, b by 3 होगा, कैसे, a into b by 3 equals to i, अब a के साथ जो मल्टीप्लाई होके i बना रहा है, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा b by 3, खत्म। तो इसके MCQs और जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके भी डिटरमिनेंट से खत्म कर लेना।